अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा पीरज़ादा और आप देख रहे हैं प्यार से टीटी गाइस। आज की टीटी जो है वो पिछली टीटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसमें आप लोग को मैं स्टार्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग किसी बैकग्राउंड की पीएनजी बना सकते हैं। मैंने बहुत ढूंढा कि मुझे इसकी पीएनजी मिल जाए तो मुझे नहीं मिल पा रही थी। जैसी मुझे सेंड चाहिए, जैसी इसमें सेंड यूज़ हुई है तो वो मुझे नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने जो है वो खुद ही क्रिएट करी। तो वो कैसे करी वो मैं आप लोग को स्टार्ट में बता दूंगा ताकि आप लोग के लिए नॉलेज में आ जाए कि आप लोग अगर कोई बैकग्राउंड हो उसके आप लोग को पीएनजी ना मिली हो तो आप लोग कैसे खुद से उसकी पीएनजी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। विदाउट वेस्ट टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ आप लोग को फर्स्ट इस तरीके से पिक्चर लेनी है जिसमें आप लोग देखें हैंड पोजीशन ऐसे रखें जैसे मैंने रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे चेयर का यूज़ कर सकते हैं अपने लेग्स को रखने के लिए ताकि एक अच्छा सा पोजीशन आ जाए। तो आप लोग ओवरऑल इस तरीके से आप लोग को एग्जैक्ट पिक्चर लेनी है। उसके बाद आप इसका बैकग्राउंड ट्रेस कर लीजिएगा जैसे मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रिक यहाँ पे यूज़ करी तो आप लोग को पता नहीं है कि तो कैसे करते हैं, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पिक्सआर्ट में मैंने बैकग्राउंड ओपन करा हुआ, उसमें आपको बताऊँगा कि आप लोग कैसे सेंड की पीएनजी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ की पीएनजी निकाल सकते हैं अगर आपको वो बैकग्राउंड में हो। तो यहाँ पे सिंपल मैं ड्रॉ टूल में आ गया हूँ, ठीक है। अब ड्रॉ टूल में आने के बाद यहाँ पे जो है पहले मैं एम्प्टी लेयर पे टैप कर लूँगा ताकि वो एम्प्टी लेयर सेलेक्ट है या नहीं, तो वो मैंने देख लिया है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस फोटो में जाऊँगा मैं, और प्लस फोटो में जाने के बाद मुझे पीएनजी बनानी है इस टाइप की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली पीएनजी को मैं ऐड कर लूँगा। मुझे इस तरीके की पीएनजी चाहिए सेंड पे। तो अगर आप लोग को स्मोक पे भी चाहते हो, कोई बैकग्राउंड है उसमें स्मोक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल पहले मैं इसका जूम साइज़ कर लिया है ताकि परफेक्टली इसमें मैक्सिमम साइज़ आ जाए इसका। उसके बाद ये एम्प्टी लेयर मैंने ऐड करी है और इसके बाद फर्स्ट पे रखूँगा इसको। इसका कलर जो है मैं वाइट करूँगा और इसकी जो है यहाँ पे मैं कॉपी भी ले लूँगा, ठीक है। तो अब जहाँ पे पीएनजी को मैं फर्स्ट पे ले जाऊँगा और इसको जो है मैं यहाँ पे एक्सोआर कर दूँगा, ठीक है। और दोबारा इसको फिर हम मर्ज करेंगे और उसके बाद हम दोबारा से इसको एक्सोआर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से हम इसको मर्ज कर देंगे। तो अब ये वाइट कलर में आ चुकी है। तो अब इसका जो फ़ायदा है मैं आपको बता दूँ क्या होता है वाइट में लाने के लिए, उसको मैं देखें मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, तो इसके बैक जो भी है सब हमें दिखने लगेगा। तो यानी इस तरीके से जो है हम इसका स्मोक भी अगर हो तो वो भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल पहले मैं ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे इस साइड की जो है पीएनजी चाहिए थी, यानी ये वाली जो सैंड है मुझे यहाँ की पीएनजी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके सिंपल इसको मैं यहाँ पे ले आया और इसके बाद जो है मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे एम्प्टी लेयर पे आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ कैसी पीएनजी बन रही है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे वाइट कलर फिल करके मैं आपको दिखा दूँ कि कैसी बन रही है। तो देखें एग्जैक्ट जो मुझे चाहिए थी पीएनजी यहाँ पे बन गई। तो आप लोग इस तरीके से आप पीएनजीज बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग के लिए ये वाली ट्रिक यूज़फुल होगी आगे आगे। तो अब यहाँ पे जो है मैंने पिक्सआर्ट पे बैकग्राउंड ओपन कर लिया है और अब यहाँ पे हम वर्किंग अपनी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल ड्रॉ टूल में जाना है और यहाँ पे ड्रॉ टूल लेने के बाद वही आपको चेक करना है यहाँ पे फर्स्ट एम्प्टी लेयर सेलेक्ट या नहीं, तो ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेंगे सीट की तरफ से और अब यहाँ पे प्लस फोटो में आएंगे और यहाँ पे अपनी मॉडल इमेज को जो है यहाँ पे सिंपल आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही इसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही ले लिया इसको। और अब इसके बाद मैं इसको बिल्कुल जो है परफेक्टली जो है सेंटर में सेट करूँगा। तो ना आपको इसमें साइज़ ज़्यादा रखना है ना छोटा रखना है, ठीक है। आप नॉर्मल इसमें साइज़ रखेंगे और आप लोग को अपना लेफ्ट हैंड की कोई टेंशन नहीं लेनी है, इसको हम सेट कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे पोजीशन पे रख दिया है। अब इसके बाद अब मैं राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को सेट करूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, एक कॉपी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं सेकंड वाली को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट वाली का सी ऑफ कर दूँगा, ठीक है। सेकंड वाली सेलेक्ट है। तो अब मैंने ये अपनी पिछली वीडियो में भी ट्रिक करी है तो उसमें भी कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको पहले इरेजर लेना पड़ेगा। तो इरेजर आप फर्स्ट वाला ले लें और यहाँ पर आपको इसको 48px पे करके सब कुछ आप इरेज कर दें सिवाय अपने लेफ्ट हैंड के, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ मैं इरेज कर रहा हूँ सिवाय अपने लेफ्ट हैंड के। तो उसको मैं सेट कर लूँगा, बाद में आपको बताऊँगा कैसे करना है। तो अब इसका जो है सी मैं ऑफ कर दूँगा और अब फर्स्ट वाली का सी ऑन कर लूँगा। अब इसमें जो है मैं अपना हैंड इरेज कर दूँगा, बाकी सब वहाँ पे मैं रखूँगा, ठीक है। तो अभी करने के बाद अब मैं सेकंड वाली का जो है सी ऑन करूँगा, इसको मैं अब ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो मैं अब जैसे चाहे इसको सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। तो अब जिस पोजीशन पे मुझे ये चाहिए मैं सिंपल इसको वहाँ कर लूँगा तो परफेक्टली हो जाएगा। तो ये ट्रिक मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि आप लोग अगर कोई चीज़ हुआ, अगर आप लोग टेंशन नहीं लिया करें, आप लोग की अगर पोज ख़राब आ जाए तो आपको सेट कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे देखें ऊपर जो आ चुका है एक्स्ट्रा यूज़लेस जो है यहाँ पे सब मैं इसको इरेज कर दूँगा। तो यहाँ पे ब्लर वाला मैं ब्रश यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आपको 14px पे रखना है। तो यहाँ पे ऊपर से अगर आपके हो तो एक्स्ट्रा आप यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये जो हैंड पोजीशन मैंने होल्ड पोजीशन बनाई हुई है, यहाँ पे मुझे पाइप लेकर आना है, पाइप इन करना है। तो इस वजह से मैं ऐसा शो कराना है कि मैंने पाइप होल्ड करा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया, ठीक है। तो अब जो है मैं फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेता हूँ क्योंकि अलग ही शो हो रहा है कि अलग से लगाया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑपेसिटी कम करके इसको लाइट कर लेता हूँ यहाँ से ताकि परफेक्टली मैं इसको कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वर्क यहाँ पे डन हो चुका है। तो अब आप लोग ये जो मैं अब ट्रिक करने वाला हूँ ये मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड है, यानी मुझे जैसे बैकग्राउंड रिस्क करता हूँ वो है ये, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लीव कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम सिंपल डन करके बैक आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये मैंने अपने हेड साहब को दिखा देता हूँ ये परफेक्टली कैसे आए, क्योंकि वो मैंने अपनी ट्रिक यूज़ करी, आपको नहीं पता कैसे करते तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो आप जाके देख सकते हैं बैकग्राउंड इसकी। तो अब यहाँ पे एड फोटो में आते हैं और यहाँ पे जो है टू टाइम जो है यहाँ पे हम PNG सेलेक्ट करेंगे, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई है वही वाली है ये। तो अब यहाँ पे जो है मैं देखें इसको फर्स्ट अपने लेफ्ट पे यूज़ करूँगा इस तरीके से और एक राइट पे यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो शर्ट पहन सकते हैं, नहीं चाहें तो आप ऐसे भी रह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहन ली क्योंकि मेरे बाइसेप्स को अच्छे तो नहीं है, तो इस वजह से मैंने कर लिया था। अब यहाँ पे जो है रेज़र में आने के बाद थोड़ा सा आप इसको अप साइड से जो है लाइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लाइट कर रहा हूँ इस तरीके से मैं लाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी सी मैंने और कम कर ली क्योंकि मुझे थोड़ा सा और लाइट करना था। तो सिंपल आप इस तरीके से जो लाइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइट करें, आप इसको ऐसे भी लीव कर सकते हैं और आप ऑपेसिटी डायरेक्ट कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जगह लेफ्ट वाली का मैं ऑपेसिटी कम करूँगा, इसको मैं रेज नहीं करूँगा। तो आप 86% रखी है मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से अब मैं दोबारा से एड फोटो में जाऊँगा और अब मैं यहाँ पे लेग्स के लिए जो है मैंने PNG बनाई थी, मैं सिंपल वो ऐड करूँगा। तो ये वाली भी मैंने बिल्कुल एक्जैक्ट वैसी बनाई जैसे मैंने आपको फर्स्ट पर बना के दिखाई थी। तो यहाँ पर टू टाइम में ले लूँगा ये दोनों, ठीक है। दोनों दोनों डिफरेंट PNGs हैं, सेम नहीं है ये, ठीक है। लेकिन भाई इसका मैंने फ्लिप चेंज करा हुआ है, ठीक है, यानी फ्लिप करा हुआ है इसको। तो अब एक हमें जो है यहाँ पे अपने लेफ्ट लेग के लिए यूज़ करेंगे इस तरीके से, और इसका हम रिजल्ट लेके जैसे मैंने आपको बताया था कॉर्नर की तरफ से सिंपल मैं इसको लाइट करूँगा। तो यहाँ पे 50% हार्डनेस और 50% ऑपेसिटी रख के अप साइड से और जो है कॉर्नर की तरफ से सिंपल आप इसको इरेज कर दें। तो यहाँ पर मैंने इसको इरेज कर दिया और अब जो है इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। तो ऑपेसिटी भी यहाँ पर मैंने 89% कर ली इसकी, तो इस तरीके से आप सेट करिएगा। अब इसके बाद जो है वही राइट हैंड के लिए मैं करूँगा, इसको थोड़ा सा फास्टली करके मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। क्योंकि आप आपको समझ में आ गया है कि आप लोगों को थोड़ा सा लाइट करना है साइड में से ताकि परफेक्टली आपको शो हो के एक रियल फील आ जाए इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एड फोटो में जाएंगे और अगर आप लोग को मैं एक चीज़ और दिखाता जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको जैसे मैंने बताया था यहाँ पे गन भी आपको ऐड चाहे तो कर सकते हैं, इसके अलावा मैं जो है यहाँ पे एक वो जो है मफलर जो है वो भी दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल गन लगाना चाहता हूँ तो मैंने गन ले ली है। तो यहाँ पे मैं इसको गन को इस तरीके से ऑपेसिटी कम करने के बाद जो मैंने अपनी फिंगर पोजिशन बनाई है इसमें दोनों चीज़ आ सकती हैं कि मैं यहाँ पे मफलर भी और गन दोनों। तो मैं यहाँ पे गन ले रहा हूँ और सिंपल इरेजर में जाके यहाँ से जो फिंगर को जो है मुझे अप साइड पे करना है गन के, तो और गन को इन शो कराना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इरेज कर दूंगा। तो आपको ऑपेसिटी 100% रखने के बाद हार्डनेस थोड़ी सी कम करनी है सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से देखें आप, मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे डन कर दूंगा, इसकी ऑपेसिटी 100% कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे गन हमारी हो चुकी है ऐड। अब यहाँ पे जो हम ऐड फोटो में जाएंगे तो अब यहाँ पे जो है ये जो है बागी फ्री में आपने देखा होगा मफलर उनके गले में जो है टाइगर श्रॉफ के, तो ये वो सिंपल मैंने वैसा बनाया था। क्योंकि मैंने टी शर्ट पहन लिया तो ये इतना ज़्यादा सूट नहीं करेगा, अगर आप लोग के बाइसेप्स अच्छे हैं बॉडी बिल्ड अच्छी है तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ये बना दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने इसको हटा दिया है। अब यहाँ पे एड फोटो में जाऊँगा और यहाँ पे जो है मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो और आप इसकी भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, ठीक है। यहाँ पे डन कर दूंगा मैं इसको सिंपल। और अब जो है मैं इसमें दूंगा डॉज एंड बर्न का इफेक्ट, तो इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है गाइस, आप वहाँ पे आके देख लें। अगर मैं आप लोग को ये चीज़ें स्किप ना करूँ तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं हर छोटी से छोटी डिटेल पर वर्क करता हूँ तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं इसको फिर फास्ट फॉरवर्ड पर करता हूँ ताकि जल्दी से आगे जाए और ताकि मैं इसको नया स्टेप उस पर करूँ। तो यहाँ पर डॉज एंड बर्न का इफेक्ट मैंने सिंपल यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, ड्रॉ टूल में जाके सेव कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ टूल में आ गया हूँ और अब यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट के लिए लाइट रूम में खोलेंगे, यहाँ पे पहले सेव कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट के लिए मैंने लाइट रूम में इसको ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे ओपन हो रही है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइट रूम में ओपन करने के बाद अब थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले कंट्रास्ट को जो है प्लस में मुझे 8 करना है और इस तरीके से यहाँ पे शेडोज़ जो है मैं तो थोड़ा माइनस में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे शेडोज़ -10 और अब यहाँ पे जो है ब्लैक जो है मैं थोड़ा सा करूँगा प्लस में, तो यहाँ पे +12। अब इस तरीके से सिर्फ यहाँ पे विबरेंस को बढ़ाना है मुझे, तो यहाँ पे जो है 24% पे रखना है मुझे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्लियरिटी भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 15% पे, +15 पे। और इस तरीके से ग्रेन जो है यहाँ पे लेंगे हम +12 और यहाँ पे इसका साइज 0%। शार्पनेस हम यहाँ पे +6% करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +6% शार्पनेस। अब यहाँ पे कलर में आने के बाद ऊपर मिक्स में जाएंगे और यहाँ पे जो है तो रेडनेस को जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगा प्लस में करूँगा। तो यहाँ पे मेरी टी शर्ट का कलर जो है रेड है तो इस वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, अगर अदरवाइज उसको लीव भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑरेंज पे आ गया हूँ तो ये ऑरेंज पे जो है माइनस पे आपको सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ आपको -4 सेचुरेशन करनी है, उसके बाद ल्यूमिनस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको लीव भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे येलो में आ गया हूँ मैं और येलो में आप लोग को लाजमी से करना है ये, क्योंकि ये बैकग्राउंड से रिलेटेड, तो -74% आप इसकी सेचुरेशन कर देंगे। अब यहाँ पे स्काई ब्लू में आएंगे और यहाँ पे इसकी सेचुरेशन आप लोग +89 करेंगे, उसका ल्यूमिनस आप +30 पे करेंगे। अब यहाँ पे डार्क ब्लू पे आ गया हूँ और डार्क ब्लू में आप लोग को यहाँ पे इसको करना है
-61, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका ल्यूमिनेंस भी 19 कर लेता मैंने। अब यहाँ पे डन करने के बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे प्रोफाइल में। तो यहाँ पे प्रोफाइल में हमें आर्टिस्टिक 08 यूज़ करना है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हूँ क्योंकि इससे पिक्चर में बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। तो यहाँ पे आर्टिस्टिक 08 लिया मैंने, और इसका जो है मैं आर्टिस्टिक को यूज़ करूँगा 49% या 50% आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको यहाँ पे डन कर दूंगा। तो गाइस देखिए हमारा वर्क यहाँ पे डन हो चुका है। बिफोर एंड आफ्टर देख लें, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट आई है। तो आप लोग लाजमी से ये चीज़ ट्राई करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर पसंद नहीं भी आई तो आप लोग की जो ट्रिक है ये आप लोग के लिए आगे आगे यूज़फुल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप लोग से वीडियो में लगा दूंगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।